दोस्तों, अगर आप एम एस वर्ड में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको एम एस वर्ड से रिलेटेड सभी शॉर्टकट कीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और इन शॉर्टकट कीज़ को याद करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आप एम एस वर्ड में कोई भी वर्क जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम एस वर्ड से रिलेटेड सभी शॉर्टकट कीज़ कौन कौन सी है। तो उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन ज़रूर हिट कर दे जिससे कि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, कंट्रोल के साथ सारे ए टू जेड शॉर्टकट कीज आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो सबसे पहले है कंट्रोल ए। कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट करके आप पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बी सिलेक्ट करके आप पूरे टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, डैट मीन्स कि डार्क कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी से आप पूरे टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डी से आप फॉन्ट विंडो ओपन करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई से आप सेंटर टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए कर सकते हैं यूज़। कंट्रोल प्लस एफ से आप किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जी से आप किसी लाइन या पेज पर डायरेक्ट जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एच से किसी भी वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आई से आप टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जे से आप टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस के से आप इंसर्ट हाइपरलिंक पर जा सकते हैं डायरेक्ट। कंट्रोल प्लस एल से आप टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एम से आप इंडेंट को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस एन से आप न्यू फाइल ओपन करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ओ से आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी से आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू से आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आर से आप राइट अलाइनमेंट को लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस यस से आप डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टी से आप हैंगिंग इंडेंट, डैट मीन्स की हैंगिंग इंडेंट क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस यू से आप टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वी से आप कट कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से आप ओपन विंडो को क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स से आप टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वाई से आप रिडो कर सकते हैं। एंड लास्ट कंट्रोल प्लस जेड से आप अंडो कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी कंट्रोल के साथ वाली शॉर्टकट कीज। अब हम बात करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ वाली शॉर्टकट कीज़। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से आप कॉपी फॉर्मेट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से आप टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई से आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से आप फॉन्ट चेंज करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच से आप हिडन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के से आप फॉर्मेट लेटर स्मॉल कैपिटल के यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से आप लिस्ट स्टाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम से आप लेफ्ट से पैराग्राफ इंडेंट हटाने के लिए कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से आप नॉर्मल स्टाइल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू से आप सिंबल फॉन्ट में चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी से आप हैंगिंग इंडेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड लास्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से आप पेस्ट फॉर्मेट के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैंने आपको एम एस वर्ड से रिलेटेड सारे शॉर्टकट कीज़ की इन्फॉर्मेशन दी। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन ज़रूर हिट करें जिससे कि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताएं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।